अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी शोरबे वाला चिकन बनाने का तरीका। उसके लिए ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है, 4 अनियन प्याज कटिंग कर लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसे मैंने कटिंग किया है, 10 ग्रीन चिलीज़ यूज़ की हैं मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा अदरक लहसुन। इनके लिए जो हमें मसाले चाहिए उसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक एंड 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। चिकन और मसाले सारे मैंने इकट्ठे डाल दिए हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको ढक्कन लगा के हल्की तेज़ आंच पे रख दूंगी। इसका ढक्कन मैं उतारूंगी। 5 मिनट के लिए मैंने इसको तेज़ आंच पे रखा था। अब इसमें से मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी, चिकन निकाल के अलग कर रख दूंगी एक प्लेट में, और जो इसका ये मसाला है मैं ग्राइंड कर लूंगी। इससे एक अलग सा टेस्ट आएगा सालन। चिकन मैंने उसमें से निकाल के अलग कर लिया था और वो जो मसाला था मैंने उसे ग्राइंड कर लिया। हमने उसमें थोड़ा सा पानी यूज़ किया था, इसलिए अब हम इसे चूल्हे पे रख के भून लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। इसका पानी अब खुश्क हो गया, अब मैं इसके अंदर 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप इस तरह ट्राई करेंगे तो आपको एक अलग टेस्ट महसूस होगा। ये भून के तैयार हो चुका है, अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी जो मैंने पहले निकाल दिया था, और इसे अच्छी तरह तेज़ आंच पे भून लूंगी। ये हल्की आंच पे मैं इसे भून रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल दूंगी। ये भून के तैयार हो गया है, अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दूंगी। मज़ेदार चिकन का सालन बनके तैयार हो गया है। इसका मैंने आज अलग से तरीका बताया था आपको, आप ये ज़रूर ट्राई करेगा, ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।